हमें काम हमारे दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं, इस लायक ईमान ला नहीं जितनी इज्जत देते हैं। कायनात में कौन ऐसा शख्स होगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर का मुजरिम ना हो। बेशक लाख तकवे के मुत्तकी होने के कोई करोड़ दावे करे, मैं साहब गुनाह ही नहीं करता, मेरी तो नमाज कज़ा ही नहीं होती, मैंने तो तकबीर औला कभी छोड़ी ही नहीं, लेकिन कायनात में माँ सिवाय उसके जिसको रसूल पाक ने इज्जत का ताज पहनाया हो, कोई शख्स ये दावा नहीं करता कि नहीं कर सकता कि मैं तेरे रसूल का मुजरिम नहीं हूँ। मुजरिम है, किसी न किसी साबिये से मुजरिम है, किसी न किसी के साथ करती होगी, ऊंची आवाज से बोल दिया होगा, किसी का दिल तोड़ दिया होगा, किसी को धुतका दिया होगा, किसी को हकीर समझा होगा, तो कोई ना कोई मुजरिम है। और हम तो सराबा खताओं के पुतले हैं। अल्लाह कसम, ये तो रसूल अकरम के दर की खैरात है, मिलाद की बरकत है, औलिया का फैजान है कि आप लोगों ने हमारी इज्जत की है, वरना हम इस लायक नहीं। लेकिन आज आपने जो इज्जत दी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इमाम अबू हनीफा के कॉल के मुताबिक कि जैसा इन लोगों ने गुमान कर रखा है हमारे मुताबिक, ऐ अल्लाह तू जानता है कि हम ऐसे तो नहीं, लेकिन इनके गुमान के हमें मुताबिक बना दे, हमारा बना हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इस मिसाल पर चंद जुमले अर्ज करने की जिसारत करूंगा। सामईन सरपोशन इस्लाम लाहौर का ये जश्न, ये जलसा काबिले मुबारकबाद है। इन्हें मेरी खता है कि मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में अटक गया था जिसकी वजह से लेट हुआ। आज मीलाद रसूल पाक की हम महफिल सजा रहे हैं, हम अपनी गुफ्तगू को अपने मकसद के लिए लाना चाहते हैं। मीलाद हर शख्स मनाता है, हर शख्स मोहब्बतों का इजहार करता है, और जिस कौम के अंदर अपनी तशख्स को कायम करने का जज्बा ना हो, वो कौम अपना वकार, अपना तशख्स, अपना किरदार और कमाल, अपना उरूज बुलंदी खो देती है। और ये हमारा उरूज है कि हम आता है कायनात का मिसाल जश्न अपने पुरतफाक जज्बे से मनाते हैं, लेकिन समझना ये है कि जश्न मीलाद रसूल का मकसद क्या है। भाई क्या नारे लगाकर, नाते सुन के, तारीफें करके, दावा करके घर चले जाना मीलाद का मकसद मिल जाता है? नहीं। मीलाद का मकसद क्या है? मीलाद कहते किसे हैं? आता है कायनात की आमद, हुजूर पाक का मौजूद, हुजूर पाक की आमद, हुजूर का जहूर, हुजूर की तालीम, इन सब का मकसद क्या था? 1500 साल पहले चले जाओ, जिहाद का दौर दौरा है, इज्जत के तहफ्फुज के लिए बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा है, गुनाहान है, जुल्मत और तारीकी के बादल छाए हुए हैं, इंसानियत नाकाम हो चुकी है, इंसानियत सिसक सिसक के दम तो नहीं है, कोई उसको दिखलाने वाला नहीं। तारा की चोटी से नमूदार होने वाली नूर मोहम्मदी की सिया ने आलम फालम सिर्फ अरब को नहीं, अजम को नहीं, कायनात के कोशे कोशे को अपनी आगोश रहमत में दिया। औरतें जो अपने मकान खो चुकी थी उनको उनका मकान मिल गया, मर्द जो अपना कमाल खो चुके थे उनको उनका कमाल मैसर आया, इंसानियत जो तुम्हें मर्द हो चुकी थी उसको नामो नमूस इज्जत कदर ऐसी मिली कि औजे सुरैया पर फाइज कर दिया। फिर ऐसे ही इंसानों ने जो लोग दिलों को गोश्त रोखा जानते थे, सिर्फ भक्त करने वाला दिल, जानवरों की तरह भागने वाला दिल, खून पंप करने वाला दिल, जो दिल की माहियतों से नाशा थे मेरे नबी की सोबत में, मेरे नबी की निगाहों में, उनके सीनों में तो रूह हयात फूक दी। मौला अली ने कहा, तेरे जैसा बहुत बड़ा जहान तुझ में है, मगर तुझे पता नहीं। उससे पहले तो किसी ने नहीं कहा, उसके बाद कहा, पता चला कि दिल देने वाला बाद में आया, जब तक दिल देने वाला ना आया था वो जानवरों की तरह दिल को खून पंप करने का फंक्शन समझते थे, जब दिल अदा करने वाला आया तो ये दिल अल्लाह ताला के दीदार का मस्जिद बन गया। और किसी ने जमाने हाल से कहा कि दिल की आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देगी। अरे दीदार के लिए मुशक्कत थोड़ी है, आंख बंद करो दीदार सामने हो जाएगा। लेकिन किसी ने सच कहा, आंख वाला ये आंख नहीं, जानवरों के पास भी ये आंख है, दीवार पर वो भी देख लेते हैं, बीवी बच्चों के लिए रोटी टुकड़ा आप अगर कुछ करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ करके लाता है। हाँ, इंसानियत का कमाल इस दोष दोष से नहीं, शायरी हुसन से नहीं। और याद रखो, अंजुमन से रोशन इस्लाम ऐसी आलम की रूहानी तहरीक है जो अंधे अकीदे पे नहीं चलती, इंसान
साथ किसी का चेहरा हसीन देखा, हमने कहा साहब गली है। अल्लाह तो बड़े बड़े हसीन इंडियन फिल्मों में भी मिल जाते हैं, ईसाइयों यहूदियों में मिल जाते हैं, क्या सबको बड़ी शुमार कर लोगे? है ना, अरे बंद कमरे में किसी ने बताशे जाहिर कर दिए, हमने कहा ये तो गली है। किसी ने गायब चीज का पता दे दिया, हमने कहा गली है। ऐसे अंधे अकीदे पे हम नहीं चलते। ये चौक से बाजूरा, ये तमाशे बाजूरा, हिंदुओं के चौकी, ईसाइयों के पादरी, हिंदुओं के साधु, मुसलमानों के आमिल कर सकते हैं। अगर कोई गली कर रहा है तो कसौटी नहीं होगी जो मोहन कर सके और ये कर जाए। कोई ऐसी चीज हो ना जो वो न कर सके और ये कर जाए तो दलील हो जाएगी ये वली है। सुल्तान बाहर कहा हवा में उड़े, पानी पे चले, आग में सोए, बड़ी मनमानना ये ताकतें परियों के पास भी है, शैतान के इस्तेमाल रखने वालों के पास भी है। पूछा फिर बली किसको कहे, कहा उसको कहना जिसकी नवे मुर्दा दिल पर अल्लाह का नाम नक्श है। मेरी गुफ्तगू का मतलब समझे, मैं यही बात कर रहा था। अरे हमने अगर किसी शख्स को अस्वत और मतबे की बात करते हुए पाया तो वो वो शख्स है जिसने जंगलों में अपनी जवानी को लुटाकर हम जैसे गंदे नौजवानों को अभी सोबत देकर अल्लाह के जिक्र करने वाला था। आज तुम सबसे लगते हो, एक नहीं एक हजार नहीं एक लाख लगाओ, जिसको रब इज्जत देता है उसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जितने तुमने सदमे दिए उसका पैगाम उतना बढ़ता चला गया। बेशक इसलिए नहीं कि बाप दादा की गद्दियां खैरात में लेके जाली वाली बन के बैठ गया, इसलिए नहीं हम उनको भी कहते हैं गद्दी नशी है, गद्दी की अजमत को सलाम। शगर साहब तुम्हें उस वक्त विलायत का सलाम होगा जब तुम्हारा सीना मन होगा। गद्दी को सलाम, वही काम गुजर गया। अब जो गद्दियां चल रही है, गद्दी दर गद्दी चल रही है, वो विलायत के लिए नहीं है, अस्ता असीम है किसी की नस्बत से। बस तुम जो पीरी मूरी करते फिरते हो, लाखों का दुश्मन रूहानियत खड़ा करते हो, छोड़ दो उनको, उनसे कहो इस याजे के पास चले जाओ जिसको रसूल अल्लाह ने सुम्मत में बिठाया। तुम्हें रूहानियत परवान चढ़ेगा, कुछ कैद मिलेगा, वो हुजूर को देखेगा, वस्ता को देखेगा, ईमान कामिल हो जाएगा। इस सुम्मत में आओ ना जिसके लिए किसी ने कहा कि दिल बेदार पैदा कर, कि दिल बाकी रहे जब तक ना तेरी जर्ब है तारी, ना मेरी जर्ब है तारी। हम ज्यादा तरीर उसको बुरी करेंगे क्योंकि बहुत वक्त लेट है, मैं भी देर से आया, सना खान भी बाकी है। मैं इससे पहले कि आपको पैगाम फिक्र दू नाथ रसूल पाक के लिए दावत दे रहा हूँ, नाथ इसलिए कि जमीन दिल अल्लाह के नाम के लायक हो जाए। जिस दिल में रसूल अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की कसम, वो न तो रसूल अल्लाह की मीराज के लायक है, न हुजूर के फखर के लायक है, न हुजूर के कुर्ब के लायक है। ये लोग जाहिल है जिन्होंने समझ रखा है कि दो यकीन बनेंगे और बिना रसूल हो जाएगा, दस दफा दूर बनेंगे और बिना रसूल हो जाएगा। ये जाहिल है, इनको पता नहीं है कि जब तक हमारे तफक्कुरात में गंदी ख्वाहिशात के गलीज कुत्ते दौड़ रहे हैं, हमारा नफ्स गंदी शक्ल में मौजूद है, उस वक्त तक उस तैयब ज़ाहिर से सीने से मुलाकात नहीं हो सकती। गुस्ल खाने में नहाना अच्छी बात है, जिसम पाक होता है, लेकिन अल्लाह कसम इस पाकी से अल्लाह नहीं मिलेगा, रसूल पाक नहीं मिलेंगे। ये तो उम्मत में एक दूसरे को बगल की और करीब आने के लिए पाकी और तहारत है, ताकि तुम्हें नहीं चाहना दे, दूर न कर दे, अच्छी बात सुनने से महरूम न हो जाओ। अगर हम